देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये एनडीए का ही पूरी तरीके से, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, पूरी तरीके से असंतोष फैला हुआ है। तो ये सीटों का बंटवारा कोई इशू नहीं था, एनडीए में कभी सीटों के बंटवारे को लेकर दिक्कत नहीं थी। बहुत जल्दी ही ये एनडीए गठबंधन जो है वो टूट कर बिखर जाएगा। नहीं, जब आरएनडी और भारतीय जनता पार्टी की अभी कोई बैठक ही नहीं हुई है इस संबंध में, अभी दोनों दलों के नेताओं को बैठना है, जब बैठेंगे तब क्लियर होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अब उनके जो गठबंधन के लोग हैं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये आपस का मामला तय हो जाएगा। पर जैसी कार्यक्रम जारी होगा ये सब तय हो जाएगा, इसमें कोई बात जैसी स्थिति 10 सीटें एनडीए लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल सभी 10 सीटों को जिताने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सब अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उपचुनाव की तैयारियों में जो है वो जुट गए हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 4 जून के बाद जो उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को निराश किया है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर जो है वो उंगली उठा रहा है। इसके बाद जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, एनडीए में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के योगी सरकार को घेरा था। अनुप्रिया पटेल ने तो बकायदा लेटर लिखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिस पर सहमति जताई थी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। अब एक और खबर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, सुबह से चर्चाओं में है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं 3 सीटों का दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर विधानसभा सीट है, जहां से लोकसभा चुनाव में चंदन सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद मीरापुर सीट खाली हो गई थी। वो तो कहीं ना कहीं ये तो दावा किया जा रहा है कि मीरापुर तो रालोद लेगी ही लेगी, उसके अलावा जो है 3 सीट भी ले सकती है। इसको लेकर के सुबह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इस पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ताओं की भी बाइट आ चुकी है। त्रिलोक त्यागी का साफ तौर पर कहना है कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं होगी, हमारी बैठकें होंगी, उसके बाद तय होगा कि हम लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, रालोद और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा है, अपना पक्ष रखा है, सुनिए। एनडीए के जो गठबंधन के और दल हैं उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है, जिसके कारण से वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। बहुत जल्दी ही ये एनडीए गठबंधन जो है वो टूट कर बिखर जाएगा और बहुत जल्दी ही इंडिया जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये एनडीए का ही पूरी तरीके से, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, पूरी तरीके से असंतोष फैला हुआ है। और इस बार इनके खुद के विधायक रमेश मिश्रा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जीतने नहीं जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कमजोर महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डरा हुआ महसूस कर रही है। और ये डर ना सिर्फ उनके अंदर है बल्कि उनके गठबंधन में भी है, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में बिखरने वाला भी है। जिस तरह अभी लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए उससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। अब उनके जो गठबंधन के लोग हैं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, इसलिए पूरा ब्लेम उठाकर भारतीय जनता पार्टी के मत्थे मढ़ना चाहते हैं। जब आरएनडी और भारतीय जनता पार्टी की अभी कोई बैठक ही नहीं हुई है इस संबंध में, अभी दोनों दलों के नेताओं को बैठना है, जब बैठेंगे तब क्लियर होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। जहां तक सीटों पर लड़ने की बात है तो 10 सीटें एनडीए लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल सभी 10 सीटों को जिताने में मदद करेगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस पर अभी दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होनी है। जब तक बैठक ना हो तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि किस दल को कितनी सीटें चाहिए, और जो भी होगा वो आपसी सामंजस्य से कौन कहाँ लड़ सकता है, कौन कहाँ जीत सकता है ये तय करके लड़ेंगे। वहाँ सीटों का कोई विवाद नहीं है, ये जो भी खबरें चल रही हैं ये सब भ्रामक खबरें हैं। देखिए इसमें बड़ी जल्दबाजी है, ये खबर कहाँ चल रही है इसकी जानकारी नहीं। अभी जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित हुई
तो ये सीटों का बंटवारा कोई इशू नहीं है, एनडीए में कभी सीटों के बंटवारे को लेकर दिक्कत नहीं हुई, ये आपस का मामला तय हो जाएगा, पर जैसे ही कार्यक्रम जारी होगा ये सब तय हो जाएगा, इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल का कहना है कि हम जो है वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैठकें करेंगे, ये जो खबर है वो कहीं ना कहीं भ्रामक है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो है वो साफ तौर पर कहना है, समाजवादी पार्टी के विधायक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ये उपेक्षाएं जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी कम करने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से जो है उनके सहयोगी दल भी अब जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी या कहें कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो ना अपना देखता है ना पराया देखता है, केवल न्याय के लिए उनका बुलडोजर चलता है। योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें तो योगी सरकार ने हाल ही में सुभाषपा के ओम बेदी राम का जब नाम पेपर लीक में आया और निषाद पार्टी के विपुल दुबे का पेपर लीक में नाम सामने आया, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं हाथ जो है वो पीछे खींच लिए, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। 26 जुलाई को आरोप तय होंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल जो है वो खबरें चल रही है कि 3 सीटों पर दावा जो है वो कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल जो है वो 3 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ये बात मानेगी, और अगर बात मानती है तो फिर अन्य सहयोगी दल भी अपनी अपनी भी मांगे रखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक सहयोगी दलों की मांगे पूरी करेगी ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ नावेद माजे, द लीडर हिंदी।